ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में शिव ही शिव हो, महाशिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि चार प्रकार की महारात्रि होती हैं, जन्माष्टमी, होली, दिवाली और शिवरात्रि। शिवरात्रि को कालरात्रि भी बोलते हैं, शिवरात्रि को अहोरात्रि भी बोला जाता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों आदि का ऐसा मेल होता है कि हमारा मन नीचे के केंद्रों से ऊपर आए। देखना, सुनना, चखना, सूंघना व स्पर्श करना, इस विकारी जीवन में तो जीव जंतु भी होशियार होते हैं। यह विकार भोगने के लिए तो बकरा, सुअर, खरगोश, कुत्ता और कई नीच योनियां हैं। विकार भोगने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। विकारी शरीरों की परंपरा में आते हुए भी निर्विकार नारायण का आनंद माधुर्य पाकर अपने शिव स्वरूप को जगाने के लिए शिवरात्रि आ जाती है कि लो भाई, तुम उठाओ इस मौके का फ़ायदा। शिव जी कहते हैं कि मैं बड़े बड़े तपों से, बड़े बड़े यज्ञों से इतना प्रसन्न नहीं होता, बड़े बड़े दानों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना शिवरात्रि के दिन उपवास करने से होता हूँ। अब शिव जी का संतोष क्या है कि तुम भूखे मरो और शिव जी संतोष हो जाएं, खुश हो जाएं। क्या शिव ऐसे नहीं, भूखे नहीं मरोगे, भूखे रहोगे तो शरीर में जो रोगों के कण पड़े हुए हैं वे स्वाहा हो जाएंगे और जो आलस्य, तंद्रा, निद्रा बढ़ाने वाले विपरीत आहार के जो कण हैं वो भी स्वाहा हो जाएंगे और तुम्हारा जो छुपा हुआ सत स्वभाव, चित स्वभाव, आनंद स्वभाव है वह प्रकट होगा। शिवरात्रि का उपवास करके, जागरण करके देख लो, शरीर में जो जन्म से लेकर विजाति द्रव है, पाप संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उन्हें मिटाने में शिवरात्रि बहुत ज़्यादा काम करती है। शिवरात्रि का जागरण करो और बम 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 बीज मंत्र है शिव जी का, इसका जप करने से वायु संबंधी, गठिया संबंधी और अस्थमा संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बिल्कुल पक्की बात है। एक ही दिन में फ़ायदा, ऐसा बीज मंत्र है शिव जी का। वायु मुद्रा में बैठो और बम 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 का जप करो और अगला दिन देखो कैसा सुफुर्ती वाला आपका होता है। शिवरात्रि की रात का आप खूब फायदा उठाना, विद्युत के कुचालक आसन का उपयोग करना, यानी किसी टाट के ऊपर, कंबल के ऊपर ऐसे आसन पर बैठकर जप करें। भीड़ भाड़ में मंदिर में नहीं जा पाओ तो घर पे ही ओम नमो शिवाय का जप करना। मानसिक मंदिर में जा सको तो जाना, मन से ही की हुई पूजा शोर शोपचार की पूजा से 10 गुना ज़्यादा हितकारी होती है और अंतर्मुक्ता लाती है। अगर आप शिव की पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव को पाने का संकल्प हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं, इससे बढ़कर कोई पद नहीं। भगवान शिव से प्रार्थना करें इस संसार के कलेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूलों से बचने के लिए। हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे शंकर, मैं आपकी शरण हूँ, मैं नित्य आने वाली संसार की यात्राओं से हारा हुआ हूँ, इसलिए आपके मंत्र का आश्रय ले रहा हूँ। आज के शिवरात्रि के इस व्रत से और मंत्र जप से तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम अंतर्यामी साक्षी चैतन्य हो। हे प्रभु, तुम संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराओ। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर इस शिवरात्रि के वेद उत्सव में मैं पूर्णतः अपने पाप ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं। शिव धर्म 5 प्रकार का कहा गया है। एक तो तप होता है जो शरीर से, मन से होता है, और दूसरा है भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म, पूजा अर्चन आदि, मानसिक अथवा शारीरिक। तीसरा होता है शिव मंत्र का जप। चौथा होता है शिव स्वरूप का ध्यान और पांचवा शिव स्वरूप का ज्ञान। शिव स्वरूप का ज्ञान यह आत्म शिव की उपासना है। चिता में भी शिव तत्व की सत्ता है, मुर्दे में भी शिव तत्व की सत्ता है, तभी तो मुर्दा फूलता है। हर जीवाणु में शिव तत्व है, तो इस प्रकार अशिव में भी शिव देखने के नज़रिए वाला ज्ञान, दुख में भी सुख को ढूंढ निकालने वाला ज्ञान, मरुभूमि में भी वसंत और गंगा लहराने वाला शिरदामय नज़रिया दृष्टि, यह आपके जीवन में शिव ही शिव लाएगी। जैसे
भोले बाबा का श्रृंगार है, शिव जी का श्रृंगार है, गले में सांपों की जहरीले सांपों की माला, तो उनको उससे कोई भय और द्वेष नहीं है। ऐसे ही उनको शीतलता से, चंद्रमा की जो शीतलता है उससे कोई राग नहीं है। वही शिव तत्व हमारे अंदर आए, वही शिव तत्व हमारे अंदर आए, हम किसी से राग न करें, हम किसी से द्वेष न करें, बस ये ज्ञान रहे कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल मुझे आ रहा है। दुख आया तो वाह वाह मेरे प्रभु, वाह वाह तेरा शुक्रा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्राना है कि ये कष्ट आया मुझे, मतलब इस कष्ट से मैं निकल गया, ये तो आने वाला था पीड़ा, हो सकता है ये बड़ी हो के आती, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और अगर कोई खुशी की बात आए, कोई फ़ायदे वाली चीज़ आए, तो वाह वाह मेरे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने मुझे दिया है। लेकिन जब कुछ अच्छा काम होता है तो हमारे मन में आ जाता है कि अरे ये तो मैंने किया, तब हुआ, रास्ते में चल रहे हैं, घर पे चल रहे हैं, फर्श पे गिर गए और दोनों हाथ रख लिए, बच गए, तो हम बोलते हैं कि अरे मैंने हाथ रख लिए इसलिए मैं बच गया। ये नहीं कहते कि भगवान का शुक्र है कि मैं भगवान के नाम का जप कर रही थी इसलिए मैं बच गई। और अगर यही चोट लग जाती तो कहते हैं हे भगवान मैंने कौन सा तेरा बुरा किया था, मैंने क्या बुरा किया था, भगवान का नाम जप कर रही थी मेरे साथ बुरा हुआ। तो बुरे में तो हमें याद आता है भगवान, दुख में तो याद आता है, सुख में याद नहीं आता, इसलिए सुख हो या दुख हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, यही शिवरात्रि का संदेश है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।